हेलो दोस्तों, माइंड टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिंस है और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का 15th लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्या यूज होता है ऑब्जेक्ट्स का, और कैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं दोस्तों। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं श्योर हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे दोस्तों। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स क्या होती है। एक नॉर्मल टर्म में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक मटेरियल थिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड। यानी कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती हैं, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, वो सब आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों। और जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज आपकी ऑब्जेक्ट होती है दोस्तों। यानी कि कुछ भी चीज, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कोई कार हो गई दोस्तों, ये भी आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसको आप टच कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो। आपकी चेयर हो गई दोस्तों, ये भी एक ऑब्जेक्ट होती है दोस्तों। आपका खुद का लैपटॉप हो गया दोस्तों, वो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म है कि ऑब्जेक्ट्स के पास उसकी प्रॉपर्टीज होती है और उसके मेथड्स होते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब ये मेथड्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इजी है दोस्तों। प्रॉपर्टी क्या होती है, डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का डाटा। जैसे कि मैं हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं दोस्तों, ठीक है। मेरे हेयर का कलर है, मेरे लेग्स हैं, मेरे टीथ्स हैं, ये मेरी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों। आपका लैपटॉप होता है, आपके लैपटॉप का कलर है, आपके लैपटॉप के बटन्स हैं, आपके लैपटॉप की स्क्रीन है, यानी कि जो भी आपके लैपटॉप के पास चीजें हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों। और अब बात करते हैं मेथड्स की, कि मेथड्स क्या होती हैं। ये मेथड्स होते हैं आपके एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पे जो जो एक्शन किए जा सकते हैं। जैसे कि आपका लैपटॉप है, लैपटॉप को आप स्टॉप कर सकते हो, लैपटॉप को आप स्टार्ट कर सकते हो, आप खुद भाग सकते हो, आप खुद वॉक कर सकते हो दोस्तों। ये डिफरेंट डिफरेंट जो एक्शंस होते हैं दोस्तों, वो आपके मेथड्स कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक चीज आपको और बताना चाहता हूं आपको, कि जावास्क्रिप्ट आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दोस्तों। क्यों होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि ये उप्स के कंसेप्ट को फॉलो करती है। जैसे कि आप इसमें इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हो, यानी कि जो भी लैंग्वेज ये सब कंसेप्ट यूज करती है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे डीप में दोस्तों। तो फिलहाल के लिए ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दोस्तों। So, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑब्जेक्ट की, कितने तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि जो पहले से ही बने बनाए होते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी में पहले से होते हैं। जैसे कि डेट हो गया, मैथ फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग हो गई, एरे हो गई, ये जितने आपके भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों। और यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं दोस्तों, इसकी डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, जो यूजर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, यूजर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। तो ये यूजर डिफाइंड आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं दोस्तों। सो मैं देखो यहां पर फोकस करो, मैं क्या करने जा रहा हूं दोस्तों, फोकस ऑन दैट फ्रेज। सो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स आपकी एक वेरिएबल होते हैं दोस्तों, जिसमें आप मोर देन वन डाटा स्टोर कर सकते हो दोस्तों। So, बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको वेरिएबल कीवर्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि मैं पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना जा रहा हूँ, वेरिएबल लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, यानी कि एक तरह का आपका वेरिएबल होता है जिसमें मोर देन वन डाटा स्टोर कर सकते हो। फिर इक्वल टू लगाना है, फिर आपको क्या लगाना है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना है, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है। जैसे कि पर्सन है, पर्सन का क्या क्या हो सकते हैं, पर्सन के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे कि उसका नेम है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है, फिर यहां पे आपको कोलन लगानी है, और उसके बाद आपको उसका नाम लिखना है, जैसे कि मेरा नाम प्रिंस है, और फिर आपको कोमा लगाना है दोस्तों। अब जो ये नेम है ये इसकी प्रॉपर्टी है, और जो प्रिंस है ये इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो दोस्तों, ठीक है। यहां पे कोमा लगाना है, और ये कोलन आपको यहां पे डबल डॉट्स यहां पे लगाने होते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे एक और बना लेते हैं प्रॉपर्टीज की, जैसे कि एज है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको कोलन लगानी है यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे जैसे कि सपोज मैं 23 लग देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसकी एज हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद कोमा लगा के आपको क्या करना है, जैसे कि मैं उसकी हेयर्स का कलर जानना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हेयर कलर लिखूंगा, हेयर कलर, फिर यहाँ पे फिर से कोलन लगाऊंगा, और यहाँ पे डबल कोट्स, यहाँ डबल कोट्स में आपका हेयर का कलर लिख देता हूँ उसका ब्लैक, ठीक है। अब ये मैंने डबल कोट्स में क्यों लिखा, क्योंकि ये स्ट्रिंग होती है दोस्तों। आप यहाँ पे अगर स्ट्रिंग हो जावास्क्रिप्ट पे तो आप इसको डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट में होता है दोस्तों।
ठीक है। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को बना दिया, पर्सन नाम के मैंने ऑब्जेक्ट्स को एक बना दिया और उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बना दी। ठीक है, अब हमारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है, फोकस करो मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है दोस्तों। एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड लिखते हैं, वो भी आपको ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो राइट मेथड को आप कैसे एक्सेस करते हो, पहले तो डॉक्यूमेंट लिखते हो, फिर डॉट लगा के राइट लिखते हो। ठीक है, तो डॉट के थ्रू आपका ऑब्जेक्ट एक्सेस किया जाता है दोस्तों। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पर्सन, फिर डॉट लगाएंगे अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसको आप असेस करना चाहते हो। जैसे कि मैं एज को असेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज। ऐसे हमने ऑब्जेक्ट को असेस कर लिया दोस्तों। अब क्या करना चाहते हैं, हम इसकी एज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर सकते हैं, या तो हम अलर्ट यूज करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे अलर्ट मेथड यूज कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे अलर्ट मेथड आपको यूज कर रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे आप इसको सेमीकोलन लगाना है दोस्तों। ठीक है, ऐसा बना दिया हमने। कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं और डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने इसकी एज बता दी, जैसे कि 23। तो ये हमने इसकी एज को ऑब्जेक्ट के थ्रू एसेस कर लिया दोस्तों। अगर आप नेम को असेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना पड़ेगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने इसका नेम बता दिया दोस्तों। जरूरी नहीं है आप इसको एक ही यहाँ पे असेस कर सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल यानी कि जितने भी एज असेस कर सकते हो, यहाँ पे नेम असेस करते हो, हेयर कलर असेस करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पे पर्सन लिखना पड़ेगा, फिर डॉट लगा के आपको उसकी एज लिखनी पड़ेगी। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसने पहले इसका प्रिंस नाम दे दिया और फिर इसने इसकी एज दे दी दोस्तों। और यहाँ पे आप यहाँ पे अलर्ट मेथड की जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड भी लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड आपको लगा के देखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसकी स्क्रीन पे आ जाएगा प्रिंस 23। बट ये अच्छी रीडेबल नहीं हो रही है, तो मैं 23 को नेक्स्ट लाइन में ला देता हूँ। तो 23 को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक टैग देना पड़ेगा। यहाँ पे फोकस करो कहाँ पे ब्रेक टैग देना है आपको, यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ पे आपको डबल कोट्स लगाने हैं पहले, फिर यहाँ पे ब्रेक टैग देना है। ठीक है, ब्रेक टैग के बाद फिर से डबल कोट्स के बाद आपको यहाँ पे प्लस सिंबल लगाना होता है दोस्तों। ठीक है, कंकैटिनेशन के थ्रू। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रिंस और इसकी एज 23 हो गई है दोस्तों। ठीक है, अब इसको मैं बताऊंगा अभी, अगर आपको कुछ और भी लिखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लगाई, और अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स के बारे में, कि ऑब्जेक्ट्स के मेथड कैसे बनाते हैं। ये भी आपका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेथड कैसे बनाते हैं। सो मेथड्स को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो आप क्या करना पड़ेगा। मेथड्स आपके एक फंक्शंस होते हैं दोस्तों, यानी कि कुछ भी फंक्शन जिसको हम यानी कि कुछ स्टार्ट करना, किसी चीज़ को स्टॉप करना। तो मेथड्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पे जैसे कि कुछ लिखना हो, जैसे माई डाटा। ठीक है, माई डाटा मैंने कुछ लिखा, और यहाँ पे क्या करना, कोलन लगा के आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना होता है दोस्तों। फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे फंक्शंस की ब्रैकेट लिखेंगे दोस्तों। अब इस मेथड के अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पे नेम, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगाना है, रिटर्न लगाना है कुछ भी। जैसे कि आप कुछ रिटर्न का, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यू होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उसको रिटर्न करना दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न, रिटर्न लगा के आपको क्या करना है, जैसे कि नेम को असेस करना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप पर्सन डॉट नेम। अब ये क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, इसको ऑब्जेक्ट्स को एक्शन में लगा रहे हैं, एक्शन में ला रहे हैं इसके मेथड्स के थ्रू, यानी कि इसके नेम को प्रिंट करना चाहते हैं, इसको एक्शन में लगा रहे हैं, इसको रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों। तो पर्सन डॉट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस सिंबल लगाना है, फिर आपको पर्सन डॉट एज भी लिखनी है, तो यहाँ पे लिखोगे पर्सन डॉट एज लिख दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेथड में हम रिटर्न कीवर्ड को हम यूज करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिटर्न के बारे में बहुत अच्छे समझाया है, तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों, मेथड बनाने का, मेथड बनाने का ये फायदा है कि मेथड को आप कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, और उसमें जितनी चाहे मर्जी वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज दी है रिटर्न के अंदर, तो ये पर्सन डॉट नेम को रिटर्न करेगा और पर्सन डॉट एज को रिटर्न करेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड में आपको यहाँ पे क्या करना है, पर्सन डॉट माई डाटा जो मेथड है आपको यहाँ पे इसको एसेस करना है दोस्तों, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं दोस्तों। क्या किया हमने, यहाँ पे जो ये माई डाटा लगाया है, इसमें आपकी रिटर्न वैल्यू है, जितने भी इसका नाम है, इसका एज है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसका डॉट लगा के इसके जो मेथड है यहाँ पे माई डाटा हमने बनाया है, यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया दोस्तों। कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका रिजल्ट दे रहा है प्रिंस ओवर 23 दोस्तों।
ठीक है। तो ये आपका यहां पे हो रहा है दोस्तों। अब एक बात आपको नोटिस करने के दोस्तों, मैं क्या करने जा रहा हूं दोस्तों, अब यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे प्रिंस और 23 ये अच्छा सा नहीं लग रहा देखने में, ठीक है, ये सो सा नहीं कर रहा है कि पता नहीं लग रहा है कि प्रिंस क्या है 23 क्या है। तो इसकी रीडेबिलिटी अच्छी कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड में आपको यह करना पड़ेगा, यहां पर डबल कोट्स लगाना है। डबल कोट्स लगाने के बाद आपको यहां लिखना है कि नाम क्या है, जैसे कि पर्सन नेम इज, पर्सन नेम इज ऐसे लगाना है। फिर आपको यहाँ पे जो है इसके बाद प्लस का सिंबल लगाना होता है, ठीक है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाना होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसके बाद पर्सन की एज करें तो उसके प्लस के बाद आपको फिर से डबल कोट्स लगाने हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आपके कि पर्सन एज इज, या फिर प्रिंस एज लिख देते हैं यहाँ पे, सो प्रिंस एज इज, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे प्लस सिंबल लगाना है दोस्तों। तो ये हमने ऐसा यहाँ पे हमने ये किया है दोस्तों, आपको वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं मैंने क्या किया है। कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं दोस्तों, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं, तो आपको देख सकते हो यहाँ पे पर्सन नेम इज प्रिंस एंड प्रिंस एज इज 23। अब इसको हम नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए आपको यहाँ पे ब्रेक देना पड़ेगा। तो ब्रेक कहाँ पे देगो, यहाँ यहीं पे ही आपको ब्रेक देना है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल प्लस के बाद। तो यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे ब्रेक की वर्ड बी आर टैग लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हो इसका जो पर्सन नेम इज प्रिंस और पर्सन एज इज 23 ये आपकी नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं। तो ऐसे हमने मेथड्स के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट्स को एसेस कर लिया है दोस्तों। और अब एक और चीज आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आप इसको यहाँ पे पर्सन की जगह यहाँ पे दिस कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, मैं इसको एसेस करने के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस डॉट नेम, और यहाँ पे भी आप पर्सन की जगह पे दिस लिख सकते हो। दिस आपका एक कीवर्ड होता है जो करंट ऑब्जेक्ट से रेफर करता है दोस्तों, यानी कि जो आपका ये करंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये पर्सन है, ये दिस इससे रेफर करता है दोस्तों। तो यहाँ पे पर्सन भी लिख सकते हो, अब यहाँ पे दिस भी लिख सकते हो दोस्तों, ये बहुत अच्छा एक कीवर्ड होता है दोस्तों, ठीक है। सो ये था हमारा ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि कैसे हमने ऑब्जेक्ट्स बनाया, इसके मेथड्स के बारे में। सो अब बात करते हैं हम इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि कैसे हम इनबिल्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं दोस्तों। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जैसे हम स्ट्रिंग होते हैं उसको भी हम एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ एक स्ट्रिंग, जैसे कि नेम है कोई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, जैसे कि माइंड टच टैग, माइंड टच टैग, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, समझ लो कि वेरिएबल यानी कि स्ट्रिंग मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि बिल्ट इन प्रॉपर्टीज की यूज़ करनी है, बिल्ट इन प्रॉपर्टी का यूज़ करते मैं इसकी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, कितने वर्ड्स की ये स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा नेम, यहाँ पे अलर्ट बैक्स मेथड लगा लेता हूँ यहाँ पे अलर्ट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे नेम डॉट, इसकी जो बिल्ट इन वैल्यू प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी लेंथ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसकी जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमें दे देगा, स्ट्रिंग पे प्रिंट कर देगा। इसकी लेंथ कितनी है, ये स्पेस को भी काउंट करता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि स्पेस भी आपकी एक इसकी लेंथ को काउंट करता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 15 वर्ड का जो आपकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है दोस्तों। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो जिसकी लेंथ है वो आपको शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपकी इसकी इनबिल्ड जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। अब इसके इनबिल्ड मेथड भी होते हैं दोस्तों, मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपकी जो स्ट्रिंग है लोअर केस में इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा टू अपर केस, टू अपर केस, और यहाँ पे जो मेथड्स की ब्रैकेट होती है वो जरूरी लगानी होती है दोस्तों आपको, ठीक है, यानी कि यू आपका यहाँ पे बड़ा होना चाहिए और सी आपका यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, कि यू और सी आपको कैपिटल होना चाहिए। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो माइंड टच टैग जो स्मॉल वर्ड्स थे आपके जो वो लार्ज हो चुके, यानी कि कैपिटल में हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो ये था आपका, टू लोअर केस भी कर सकते हो, तो टू लोअर को इसमें एल कैपिटल होगा और जो केस का आपका कैपिटल होगा। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट्स के बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, आज हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज करते हैं और कितने तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स का। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, और हो सके तो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोज हो वो आपके नोटिफिकेशन बारे में शो हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एरे इन जावास्क्रिप्ट, कि एरे क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।